बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छी तरह सुनते हैं, समझते हैं हमें। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सर्जरी बहुत अच्छे से हुई और मुझे कोई भी उसके बाद कोई आफ्टर जो सर्जरी जो भी दिक्कत आती है कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं सबको सजेस्ट करूँगी अगर किसी को ENT में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर डॉक्टर सुनील तंवर के पास जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में आप कंसल्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज शिरीन मैम है हमारे साथ में जिन्होंने हमारे हॉस्पिटल जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल से डॉक्टर सुनील सर से करवाई है राइनोप्लास्टी सर्जरी, तो हम उनका एक्सपीरियंस उनसे जानना चाहेंगे। हेलो ऑल, मेरा नाम शिरीन है और मैं जयपुर से हूँ एंड मैंने सुनील सर से, डॉक्टर सुनील तंवर से अपनी राइनोप्लास्टी सर्जरी करवाई है। इससे पहले मेरी राइनोप्लास्टी 2016 में कोटा में हुई थी, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया था उस ऑपरेशन, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अब वापस से सही होगी या नहीं होगी मेरी नोज़। फिर मैंने सर से कंसल्ट किया, फिर उन्होंने मुझे काउंसलिंग की, शायद एक या दो तीन बार मेरी काउंसलिंग हुई। उसके बाद मैंने अपना माइंड सेट किया कि नहीं, मैं पॉजिटिव सोचूंगी और सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। और सर बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छी तरह सुनते हैं, समझते हैं हमें। और जो मैंने उनको बताया कि मैं ऑपरेशन के लिए किस चीज़ से डर रही हूँ, ये नहीं चीज़ नहीं है कि मेरे कहीं से कट हो जाएगा या मुझे मेरा शेप बिगड़ जाएगा नोज़ का, ये नहीं था। मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड से मुझे ये ना सुनने को मिले कि तुम्हारी ज़िद थी और तुमने ये नोज़ सर्जरी करवाई है। लेकिन सर को मैंने ये बात बताई और उन्होंने ऑपरेशन के टाइम भी मेरी ये बात याद रखी और आज तक भी उनको याद है। वो मुझे बोलते हैं कि मैं हमेशा ये बात याद रख कर फिर मैंने तुम्हारा ऑपरेशन किया है। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सर्जरी बहुत अच्छे से हुई और मुझे कोई भी उसके बाद कोई आफ्टर जो सर्जरी जो भी दिक्कत आती है कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब मैं बहुत खुश हूँ सर्जरी के बाद भी। आज मेरे को 3 मंथ हो गए हैं सर्जरी के, तो सब कुछ अच्छा है और मैं आज बहुत खुश हूँ। और मैं सबको सजेस्ट करूँगी अगर किसी को ENT में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर डॉक्टर सुनील तंवर के पास जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम।